हैदराबाद में पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषियों को मृत्यु दंड दिए जाने की मांग को लेकर अखिल विद्यार्थी परिषद की महिला कार्यकर्ताओं ने नूतन कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दोषियों को मृत्यु दंड देने की मांग करते हुए पुलिस द्वारा कार्यवाही में दो दिन तक ढिलाई बरतने तथा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न होने को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार द्वारा दिया गया बयान उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने के स्थान पर मृत डॉक्टर पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करना अत्यंत चिंताजनक है। तेलंगाना के गृह मंत्री का ये कथन कि लड़की ने घर वालों को फोन क्यों किया, पुलिस को क्यों नहीं, उनका ये बयान ही तेलंगाना प्रशासन और सरकार की महिला विरोधी मानसिकता को प्रकट करता है। हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, सारी छात्राएं, वो इस विषय में इकट्ठा हुए हैं कि जो अभी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हैदराबाद में जो घटना हुई है उसका विरोध प्रदर्शन हम करना चाहते हैं कि जिन लोगों से उसने मदद की गुहार की उन्हीं लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। और इस पर जो तेलंगाना के गृह मंत्री है उन्होंने भी अपना जो बयान दिया है उसमें बोला है कि उन्होंने अपने घर वालों से मदद क्यों मांगी, तो हमसे मदद मांगनी चाहिए। ये उनका महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस प्रकार से महिलाओं को दबाना चाहते हैं। और यहाँ पर हम सभी लड़कियाँ इकट्ठी होकर के ये कहना चाहती हैं उस सरकार से और हमारे कानून से कि हम अबला नहीं हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना जानती हैं और चाहे किसी भी कैसा भी आप बयान दे दो, कैसे भी आप हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम सारी लड़कियां सड़क पर आएंगी। और यदि प्रियंका रेड्डी को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलता है तो ये विद्यार्थी परिषद की छात्राएं मिलकर के एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करने के लिए यहां पर बाध्य रहेगी। अपराधी कितना भी शातिर हो, क्रिमिनल कितना भी खतरनाक हो, गुंडे कितने भी बेखौफ, अगर आप है सावधान तो आप टाल सकते हैं कोई भी वारदात। हम करेंगे आपको अलर्ट कि क्राइम से पहले क्राइम फर्स्ट। देखिए क्राइम फर्स्ट मिशन अगेंस्ट क्राइम सिर्फ इंडिया फर्स्ट न्यूज पर। बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।